या तो डिजिटल का सबसे बड़ा पुरोधा है, और 99 में जब लोग डिजिटल पर भाषा के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, तब हमने इसकी शुरुआत की थी और आप सौभाग्य से उसके जुड़े उस यात्रा के सहभागी रहे हैं। हमने जब कुंभ का कवरेज डिजिटल के लिए वेब दुनिया के लिए किया था तो प्रताप जी उस यात्रा के सहभागी थे उस वक्त, और ये सौभाग्य है कि आज वेब दुनिया के स्टूडियो में उसके इस विस्तारित रूप को स्वयं प्रताप जी देख रहे हैं। नहीं, मेरे लिए गर्व की बात थी कि जिस जमाने में अखबारों में लोग कंप्यूटर में टाइप करने में उनको दिक्कत होती थी, उस जमाने में हमने वेब दुनिया के लिए जो हम याहू को कंट्रीब्यूट करते थे, हमने कुंभ की 1000 तस्वीरें चंद्र ग्रहण की फोटो भेजी, इतनी तस्वीरें भेज दी कि आज के जमाने में उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जबकि इतना एक्सपेंडेड है, जबकि इतना माध्यम तेज है, व्हाट्सएप है और डिजिटल कैमरे हैं। रात में जाके कितना कठिन था, हम थोड़ी ये भी हम थोड़ा सा विशेष है, लेकिन वेब दुनिया चूंकि हम सब जुड़े हुए हैं उससे, नहीं था क्या अनुभव था रात में? विनय जी का खुद का फोन आता है कि एक फोटो चाहिए, और उन्होंने कहा हम जाते हैं फोटो खींचते, तो फोटो रात में कुंभ का मेला, ये लगा कि आतंकवादी हो सकते हैं, हम जब फोटो खींच रहे थे पीछे से आके पुलिस ने पकड़ लिया। अरे उसको ये लगा कि ये टेररिस्ट लोग हैं, बम प्लांट कर रहे हैं, जबकि कैमरामैन वहां से गंगा की धारा में खींच रहा था, क्योंकि बीच में से खींचने पे बहुत सारी फ्लड लाइट्स थी। अच्छा। तो वहां पे वो आ रही थी तो लगता है चांद आ रहा है कि फ्लड लाइट है, धोखा हम कर नहीं सकते थे, हमें असली चांद दिखाना था। धारा जहां थी वहां फोटो खींच नहीं सकते थे क्योंकि पानी का प्रवाह है, चांद हिल रहा है, तो हमको गंगा का एक ऐसा तट चाहिए था जिस तट पे गंगा ठहरी हुई हो, तो जाहिर तौर पे बहुत दूर था। तो जब हम उधर दूर से पुल से पास से जा रहे हैं और पुलिस को यह लग रहा है कि रात में 12 बजे ये बहुत लोग हैं, सर्दियों में कुंभ होता है, तो पुलिस धीरे से चुप्पे से पीछे से हाथ लगा के कॉम्बिंग करते हुए आई, और हमारी गलती थी, हमें पुलिस को बताना चाहिए था। उसने कहा हम इस काम के लिए जा रहे हैं, उन लोगों ने कहा कि अगर आप नहीं बताते तो हमें से कोई पागल होता तो गोली मार देता। सही बात था, क्योंकि उस वक्त रिस्क भी नहीं लिया जा सकता, लाखों लोग रुके हैं, उनकी सुरक्षा का सवाल है। लेकिन हमारे लिए, हम अखबार के माध्यम में काम करते थे, आज भी करते हैं, वो एक थ्रिलिंग चीज थी कि हम अभी डालेंगे और इंटरनेट पे अभी दिखाई पड़ेगा। अखबार में होता था हमारा संपादक देंगे, फिर सुबह छपेगा कि नहीं वो भी नहीं पता, वो कहता था दो फोटो छपेगी यहाँ ये था कि आप 2000 फोटो डाल दीजिए आएगी, सारी छपेगी, पूरी दुनिया देखेगी। तो ये डिजिटल उस जमाने की बात है जब एक पूरी पीढ़ी बड़ी जवान हो गई। उसके बाद प्रताप जी बता रहे हैं कुंभ का किस्सा, 2001 की बात, 2001 में जब इलाहाबाद में कुंभ हुआ था, उसके बाद का कुंभ भी अब हो चुका, उस वक्त लोगों ने सोचा नहीं था कि डिजिटल पर कैसा कवरेज होगा, तब लोगों ने वर्चुअल तरीके से भी गंगा स्नान किया था, संगम स्नान किया था। और हमने पहली बार वेब दुनिया अकेला पोर्टल था, वेब दुनिया ने बंबई में होर्डिंग लगाई, आज तक किसी भी धर्मशास्त्र में संगम के तट पे 84 दान कौन से दिए जा सकते हैं नहीं था। पीवी काणे के धर्मशास्त्र के इतिहास में जो दान थे वो 70 तक जाते थे। हमारे लिए जो सलाहकार थे पंडित नरेश मिश्र, उन्होंने खोज निकाले जनश्रुतियों से, बात से, पहला था कि आप वेब दुनिया पे आइए और वो 84 दान सम्राट हर्ष क्या करता था यहाँ देखिए। ये मेहनत हमने पहले बार एक बॉटनी के प्रोफेसर ने गंगा घड़ी बनाई कि जैसे आप कि रोजा कब खोले, ईद में छापते हैं, हम लोगों ने कहा गंगा में 24 घंटे में गंगा स्नान के अलग अलग मुहूर्त हैं, 12 बजे नहाएंगे तो यही होगा, 1 बजे नहाएंगे, आप घड़ी देख लीजिए और उस घड़ी से उस मुहूर्त से जाके नहा। घड़ी बनी हुई थी, मुझे ख्याल है उसका ग्राफिक्स बनाया हुआ, ग्राफिक्स बना था, तो उसके अनुमय दास हमारे हुआ करते थे ग्राफिक आर्टिस्ट, तो उसमें ये था कि ये चांडाल योग है, 5-20 मिनट रुक जाइए, तो लोग कहते थे कि हाँ चलो 20 मिनट रुक जाते हैं, अभी रुकने की बात है तो 20 मिनट बाद नहा लेंगे, तो ये एक चीज थी। तो कैसे परंपरा को तकनीक के जरिए हमने आधुनिक माध्यमों से जोड़ा था, हम लोग थोड़ा सा पीछे चले गए, लेकिन हमको अपने ही इतिहास को कुरेदना और उसकी अच्छी यादों को सहेजना अच्छा लगता है, और वेब दुनिया में हम लोग बड़े आनंदित महसूस करते हैं कि हम उस यात्रा के सहभागी हैं जिसने डिजिटल पर भारतीय भाषाओं के परचम को इतने फख्र से लहराया। प्रताप जी आपका धन्यवाद।